हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चीजें घटित होती हैं जिन पर गौर किया जाए तो वो हमें आश्चर्यचकित करती है। वैसे वास्तव में ऐसी असामान्य बातों के पीछे कुछ वैज्ञानिक वजह होती है। आज हम आपको ऐसी ही एक आश्चर्यचकित करने वाली क्रिया के बारे में बता रहे हैं। क्या आपने कभी जलती हुई आग की परछाई देखी है? आपका जवाब होगा नहीं। पर क्या सोचा है ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें तो स्कूल में यही बताया जाता है कि रोशनी में हर वस्तु की परछाई बनती है, तो फिर आग के साथ ऐसा क्यों होता है? चलिए आपको इसकी सही वजह बताते हैं। जल्दी रोशनी के पीछे खड़े होने पर हमारी परछाई है वो हमें नजर आती है, यहाँ तक कि हर वस्तु की छाया दिखाई पड़ती है सिवाय आग के। आप माचिस की तीली को ही ले लीजिए, उसकी भी अपनी परछाई होती है, पर अगर हम उसे जलाते हैं तो निकलने वाली आग की परछाई नहीं दिखती। आप चाहे तो उसे आजमा कर भी देख सकते हैं। जब आप माचिस को जलाते हैं तो उस वक्त उसकी चिंगारी की छोटी सी परछाई तो दिखती है, लेकिन जैसे ही वो जलना शुरू कर देती है तो उसकी परछाई नजर नहीं आती है। यह बात मोमबत्ती के साथ भी होती है। अगर आप मोमबत्ती को जलाने के बाद उसे किसी दूसरी रोशनी में लेकर आएंगे तो आप उसकी परछाई देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मोमबत्ती की परछाई तो दिखाई देगी, लेकिन उसकी लो की परछाई नहीं दिखेगी। चलिए अब जानते हैं इसकी वजह क्या है। दरअसल इसके पीछे विज्ञान का कहना है कि माचिस की या मोमबत्ती की आग स्वयं एक रोशनी है। ऐसे में अगर उसे दूसरी रोशनी में ले जाया जाएगा तो वो परछाई नहीं बनती, क्योंकि वो दोनों एक ही प्रकार के तत्व हैं। वैसे अगर आप माचिस या मोमबत्ती की आग या फिर किसी दूसरी आग की रोशनी की परछाई देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको उस रोशनी को उससे भी तेज रोशनी में ले जाने की जरूरत होगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी से तेज और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में आप जलती हुई मोमबत्ती को सूरज की रोशनी में देखेंगे तो दीवार पर या फिर जमीन पर उसके जलती हुई लो की परछाई आप देख सकते हैं बड़ी ही आराम से। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की और भी कई दिलचस्प खबरें और तथ्य जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको हर रात 9 बजे ऐसी ही और भी कई दिलचस्प खबरें वही जानने को मिलेगी।